दिया कि चाचा भतीजे में एक बार फिर से सब कुछ ठीक नहीं है। शिवपाल यादव की तरफ उनका इशारा था। अरे उनके कहने से कुछ थोड़ी हो जाता है, ये परिवार की बात है और चाचा बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास काम बताने को नहीं है, उनके पास कुछ बताने को नहीं है, तो ये जैसे कहते हैं ना, ये डिवीजन की पॉलिटिक्स पे गोडसे की पार्टी है ये, और ये किस तरह की पार्टी है जो समाज को डिवाइड करने की पार्टी है। ठीक है, तो अंग्रेजों की विचारधारा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी चलने वाले, ये सबको बांटने की बात करते हैं। ठीक है ओपी सिंह, डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी आप लोग अपनाते हैं और समाज को बांटने की बात आप लोग करते हैं, और यही ऑपरेशन लोटस का जो डर है वो अब सता रहा है उत्तर प्रदेश में भी। प्रियंका जी, इस प्रदेश और देश जहां जहां भी परिवारवादी वंशवादी जितनी भी पार्टियां हैं उनका यही हश्र एक एक करके हो रहा है और आगे भी होगा। जिनका खुद का घर नहीं संभलता वो बीजेपी पर दोष देते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र की एनसीपी पार्टी की कुंडली एक, दोनों का मामला चचा भतीजा का है, दोनों का मामला एक ही है और एक समान। हमें समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को 403 विधानसभा की सीट में 274 सीटें दी है, बहुत बहुत बड़ा जनमत दिया। इनकी 118 11 लेकर के हम क्या करेंगे, ये अपना घर संभाले। लेकिन बीच में जब चचा भतीजा टूटे थे तब भी दोष आया। भाई देखिए, जो एनसीपी की घटना घटी उसके पीछे केवल जो कारण है वो भी मैं स्पष्ट बता देता हूँ। नंबर एक, परिवारवाद। किस प्रकार से शरद पवार ने अपने बेटी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया, अजीत पवार को किनारे किया। दूसरी चीज, जो विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई पटना में, उसमें किस प्रकार से शरद पवार जी ने राहुल गांधी जी का नेतृत्व स्वीकार किया, उससे पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों में नाराजगी थी। तीसरी बात, यानी कि ये कांग्रेस की देन है, ये सब कुछ जो हुआ वो कांग्रेस की देन है, आप सीधा ये कह रहे हैं। ये सब अच्छा ही बताइए, आज विपक्षी पार्टियां जितनी है इनका जन्म कैसे हुआ, शिवसेना का जन्म कैसे हुआ, शरद पवार की पार्टी एनसीपी का जन्म कैसे हुआ, लालू यादव ने किसके खिलाफ मोर्चा खोला था, नीतीश जी किसके खिलाफ मोर्चा खोले थे, ये सारे पलटू राम 2024 में इस भय में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आ रहे हैं। सचिन रावत, बचाने के लिए ये केवल केवल जो है ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है और जनता इसको चिंता। और एक बात मैं आपको दावे के साथ बता दूं, चैनल पर जब तक 2024 का प्रिया जी परिणाम नहीं आएगा, डिबेट पर 2014 से जैसे 22 तक लड़े हैं लड़ते रहेंगे, लेकिन जनता ये जान चुकी है, आप भी जान चुकी है कि 2024 में पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और हम तो चाहते हैं ये सारे मिलके एक बार लड़ लो, ये 14 में प्रयास कम किए थे, 19 में प्रयास कम किए थे, तो भाई 24 में क्यों चूके, ये भी मिलकर के लड़ ले। कल इनको ये न रह जाए कि साहब हम नहीं मिले, लेकिन उसका क्या होगा। आप कह रहे सारे मिलके लड़ रहे, ठीक है ठीक है। पहले हमने शिवसेना को दो फाड़ होते हुए देखा, फिर एनसीपी को देख लिया, अब इशारा आपने सीधे कर दिया समाजवादी पार्टी की तरफ। ठीक है सचिन रावत, ये सब कुछ जो इस वक्त देश में हो रहा है उठा पटक, क्योंकि ऑपोजिशन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही है और जो उस पार्टी से लोग कनेक्टेड है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, वो कांग्रेस के साथ नहीं है। हाँ, उनका मुखिया जरूर उस पार्टी का आपका साथ देता नजर आ रहा है, मंच पे आपके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग खुश नहीं है। इस वजह से इस तरीके से बगावत हर तरफ देखने को मिल रही है। इसमें बीजेपी ये कह रही है कि हमारा कोई गेम नहीं है, जिस ऑपरेशन लोटस की हम बात कर रहे हैं, सीधे आपकी ओर इशारा है कि ये आप ही का देन है, आप ही की वजह से। आप चाहते हैं कि सब एक साथ आ जाए, लेकिन उनकी पार्टी में ही ये नहीं बन पा रहा है, एकमत लोग नहीं हो पा रहे हैं कि वो आपके साथ जाए पार्टी वाले। देखिए प्रिया जी, बहुत ही स्पष्ट है जो एनसीपी ने वहां पे हुआ है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से वहां टूट हुई है, जिसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का पूरा षड्यंत्र रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र को वहां पे मोदी तंत्र में तब्दील करके राजतंत्र का गला घोटा गया है, इसका जीता जाता उदाहरण था महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश।
जिस तरह से कर्नाटका में इनको जनता ने सबक सिखाया और महाराष्ट्र में जनता ने महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई, अब देखिए सत्ता की लालच में इन्होंने वहां षड्यंत्र रचा और विधायकों पर ईडी का सीबीआई का डर दिखाया और विधायकों को असम में शिफ्ट करके वहां पे सरकार बनाई। अब एनसीपी के दो फाड़ करने में लगे हैं। अरे ठीक है, आप कर लीजिए, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने जितने दिन करने हैं कर लीजिए। 2024 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं और मैं कह सकता हूं कि जनता परिवर्तन के मोड में है, जिस तरह से ओपी सिंह साहब ने बताया है कि कांग्रेस कर रही है। अरे भैया, सत्ता में आप बैठ रहे हैं, विधायकों को डरा धमका आप रहे हैं, खरीद फरोख्त आप कर रहे हैं, हम लोग विपक्ष में सवाल कर रहे हैं कि भैया रोजगार के मुद्दे पर आप आइए, महंगाई के मुद्दे पर आइए, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आइए। आप लोग सवाल कर रहे हैं लेकिन उसी विपक्ष के जो नेता हैं वो आप लोगों का साथ छोड़ करके निकल जा रहे हैं। ताजा उदाहरण आज महाराष्ट्र का देखा हमने। अरे तो अच्छा ये बताइए महाराष्ट्र में कांग्रेस का कौन सा विधायक गया? महाराष्ट्र में इन लोगों ने उन विधायकों को जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी, शरद पवार उसमें शामिल हुए थे, कांग्रेस का उन्होंने समर्थन दिया और उसके बाद ऐसा आखिर क्या हो गया कि उस एनसीपी में दो फाड़ आज देखने को मिला, एक तरफ अजीत पवार तो दूसरी तरफ शरद पवार। देखिए ये तो एनसीपी अच्छी तरह बता सकती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरह से वहां पे षड्यंत्र रचा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आज की डेट में लोकतंत्र को खत्म करके ये लोग मोदी तंत्र और राजतंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, इस वजह से ये पूरा नहीं एक सेकेंड, अगर कोई विधायक कोई सांसद पार्टी छोड़ करके चला जा रहा है, वो एनडीए के साथ या बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है, बंदूक की नोक पे तो किसी से ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा ना। अच्छा ये बताइए, ये तो नहीं कहा जा रहा है जबरन किसी को, बीजेपी खींच के तो नहीं ला रही है, ये उनका खुद का फैसला है, वो इस चीज को चूज कर रहे हैं कि उन्हें कौन सी पार्टी का साथ देना है कौन सा नहीं देना है। खुद का फैसला कैसे लिया जाता है? देखिए वही तो मैं कहना चाहता हूँ, खुद का फैसला कैसे लिया जाता है? कुछ लोगों को लोभ दिया जाता है, कुछ लोगों को लालच दिया जाता है, कुछ लोगों को ईडी का डर दिखाया जाता है, कुछ लोगों को सीबीआई का डर दिखाया जाता है। आप किंग मेकर साबित होंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव में, आप कह रहे थे कि हमें न्योता नहीं आया, ठीक है सर वापस रुख करूंगी आपका, नहीं तो आप पटना बैठक में भी शामिल हो जाते, और अब दूसरी बैठक होने वाली थी उससे पहले ही ओपोजिशन में ही भगदड़ मचती नजर आ रही है, और अब सीधे संकेत समाजवादी पार्टी के तरफ बीजेपी के लीडर्स दे रहे हैं कि बहुत जल्द यहां भी वही समीकरण बनते नजर आएंगे, चाहे यहां पर जयंत चौधरी खेमे से हो या फिर श्रीपाल यादव खेमा, इसलिए मैं यूज कर रही हूं क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी एक तो है लेकिन खेमा यहां दो बताया जा रहा है, एक अखिलेश यादव का दूसरा श्रीपाल का, जो बहुत जल्दी टूट सकता है। आप किंग मेकर साबित होंगे, अब क्या करेंगे आप? देखिए प्रिया जी, सोहेल देव भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभर जी ने 2020 में समाजवादी पार्टी गठबंधन किया था, उस गठबंधन के बाद से कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हमारे सर वो समाजवादी पार्टी में आने का काम करें, बात सही थी और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई थी। आज भी वो बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आने वाला समय आपको ये बताएगा और समाजवादी पार्टी को भी ये दिखाने का काम करेगा। देखिए ना किस तरीके का असहज बयान, अभी अभिषेक राय जी भी इस डिबेट में बोल रहे थे, अरे कुछ लोग तो होते हैं सत्ता का लोग चाहे उनको ले जाने का काम करता है, वही अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि जिसको जहां ले जाना हो ले जाए, तो ये असहज बयान है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अंदर जो रोष है वो अखिलेश यादव जी को भी दिखाई पड़ रहा है, वो अभिषेक राय जी को भी दिखाई पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, जिस समय समाजवादी पार्टी को आवश्यकता होती है उस समय चाचा का सम्मान आप करने का काम करते हैं, जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तो चाचा का सम्मान भूल जाते हैं, आप कहीं बैठकों में बुलाने का काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से लोग नाराज हो रहे हैं। आज मुस्लिम समाज जो कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का वोटर है वो भी कहीं ना कहीं कई भागों में बटा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अब जो है समाजवादी पार्टी इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर ये टूट कैसे बचे, आखिर इस पर हमारा काम कैसे आगे हो, हम इन लोगों को कैसे रोकने का काम करें, इस पर चिंता नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी खाली महागठबंधन में जो 2024 को लेकर बनाया जा रहा है उसमें सिर्फ नेतृत्व कर रही है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी के पास वोट है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का वोट है, जयंत चौधरी के पास वोट है, तो उनसे वार्ता ना करके आप तेलंगाना जाने की बात करते हैं, आप है
आप महाराष्ट्र जाने की